महदवी तीन तरावे क्यों पढ़ते हैं, 30 क्यों नहीं, क्या ये हदीस से साबित है या नहीं, चलिए जानते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रमज़ान की निश्फ शब में मस्जिद तशरीफ ले गए और वहाँ तरावी की नमाज पढ़ी। उस सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ नमाज में शरीक हो गए। सुबह हुई तो उन्होंने इसका चर्चा किया, चुनांचे दूसरी रात में लोग पहले से भी ज़्यादा जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। दूसरी सुबह को और ज़्यादा चर्चा हुआ और तीसरी रात उससे भी ज़्यादा लोग जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात भी नमाज पढ़ी और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा की। चौथी रात को ये आलम था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वालों के लिए जगह भी बाकी नहीं रही थी, लेकिन उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद ही नहीं हुए, बल्कि सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। जब नमाज पढ़ ली तो लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर शहादत के बाद फरमाया, अम्मा बाद, तुम्हारे यहाँ जमा होने का मुझे इल्म था, लेकिन मुझे खौफ उस बात का हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज न कर दी जाए और फिर तुम उसकी अदाई से आजिज हो जाओ। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो यही कैफियत कायम रही। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2012।